देखो दोस्तों, हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब, श्री हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेंपल भी कहा जाता है। वैसे उसका नाम श्री हरमिंदर साहिब है। ये होटल देखिए कितना शानदार है, चेक करो गाइस। रामादा पैस अमृतसर। सामने मस्जिद है और उसके पास में द्वार है, दिखाएंगे आपको। चलते रहे, बने रहे हमारे साथ गाइस। देखो ये जो है, इनके बोर्ड देखो, सब एक ही तरीके के बोर्ड हैं। ऐसा नहीं है अलग अलग नाम लिखे हों, अलग अलग तरीके के, सब पे अलग एक जैसे वो लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है सब पे रही। काफ़ी अच्छा है ये, प्रॉपर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर ढूंढ सकते हो आप। देखो दोस्तों, ये रंग पंजाब है, ठीक है, फार्मर रेस्टोरेंट है वो। अभी अभी आपको ले जाएंगे घुमाने के लिए। ये भी गुरुद्वारा साहब का गेट है, लेकिन एंट्री यहाँ से नहीं है। ये आपको हमने कल मूर्ति दिखाई थी, आज हम दोबारा दिखा रहे हैं। ऐसा खैर यहाँ से वहाँ तक उस रास्ते में कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम दिखाते चलेंगे, ठीक है। ये रिकवरिंग वेंडिंग मशीन है, रिसाइकिल, जैसे आप जो ये कचरा वगैरह होते हैं इससे रिसाइकिलिंग करती है। चल नहीं रही, इंडिया का इंडिया में लगाई तो है पर चल रही नहीं है, दिक्कत है बड़ी। देखो भाई, देखिए मूर्ति, वैसे आपको दिखाई थी हमने कल भी, आप जी भी देखो आप। और बिल्डिंग्स देखो कितनी वैसी हैं, कितनी मजबूत हैं और नई लग रही हैं। देखो यहाँ साफ़ सफाई कर रहे हैं, ये साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये आपको बताइए, अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव, जिन्होंने संविधान लिखा था हमारे देश का। गाइस, ये महाराजा रणजीत सिंह हैं, कल हम आपको बता नहीं पाया था, आज हमने आपको बता दिया, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा और बचा है और फिर हम पहुंच जाएंगे गुरुद्वारा साहिब। गुरुद्वारा साहिब आपको इतना ब्यूटीफुल लगेगा। देखो दोस्तों, यहाँ कवर वबर की मार्केट सी लगी हुई है, जूती हैं, काफी भीड़ है, आजकल से भी ज्यादा आज भीड़ है। फॉरनर भी आए हुए हैं, तो देखिए सामने फॉरनर। दोस्तों कल आप भी आपको ये दिखाई थी और आज भी हम दिखा ही रहे हैं, सेकंड रेगुलर है, क्योंकि वहाँ तक का रास्ता हमने कल कवर कर चुके थे, आगे का बाकी था, इस वजह से अब दूसरी बार देख रहे हैं वीडियो में। पर कोई बात नहीं, जितनी बार देखो उतनी बार मज़ा आया, इतनी आकर्षक चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं। तो हमने जूता घर में रख दिए हैं, इतने जूते, ठीक है, और यहाँ बेंचों के नीचे ना रखें, चोरी हो जाए या इधर उधर हो जाए, गुम हो जाए, ठीक नहीं है। अपने जूते जूता घर में ही रखें, कोई पैसा नहीं है इसका, फ्री चार्ज है, ठीक है। ये दोस्तों ऊपर घड़ी है, देखिए बिल्कुल साफ सुथरा वाइट है, उधर हाथ धोने का है। दोस्तों देखिए कितनी भीड़ है, देख पा रहे होंगे आप। एक तो ऊपर से आज ठंडे भी है और आज वो है संक्रांत है, इस वजह से काफी भीड़ है आज।
पेरी का पेड़ है, यहाँ पे कई सौ साल पहले लोग नहाते थे। दुख भजनी बेरी, दुखों को दूर करने वाला बेर का पेड़ है ये, कई सौ साल पुराना है। आप इसकी हालत देख के समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, सुन लिया होगा आपने, यहाँ पे लोग नहाया करते थे पहले, लेकिन यहाँ पे अब माथा टेका जाता है कि हमारे दुख दूर दूँ, क्योंकि ये बेरे का वृक्ष दुखों को दूर करता है। लोगों ने कितना माथा टेका है। वृक्षों को पानी भी नहीं दिया जा रहा, फिर भी अपने आप ही हरा हरा होता जा रहा है। ऊपर से देख सकते हैं कितना विशाल है, कितना ही विशाल पेड़ है। ये देखो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग डुबकी लगा रहे हैं, हमने अपने पैर वैर धो लिए हैं और पानी छिड़क लिया है। अभी हम थोड़ी देर में यहाँ शायद नहाएंगे भी, देखते हैं क्या विचार बनता है हमारा। और थोड़ी भीड़ हो रही है, सामने जाने की कोशिश करते हैं उस तरफ, इतनी दूर आए हैं तो मत्था टेक ही लें। इसके बाद पुल चालू हो जाएगा। पंखे हैं, कूलर है, ये जल पिला रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये देखो, इसके सरोवर के अंदर लाइटें लगी हुई हैं। दोस्तों ये पानी में बनाया गया है और यहाँ पे पानी होने के बाद भी कोई नुकसान नहीं हुआ इस पर, वरना पानी में सीलन आ जाती है, ख़राब हो जाता है, लेकिन इधर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ये तो भी कई सौ साल पुराना है, फिर भी कुछ असर नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। दोस्तों एंट्री तक पहुंच चुके हैं हम, और वह हमारी एंट्री होगी, अंदर जाएंगे हम। लेडीज की उधर से है, जो लेडीज को एंट्री आ रही है। Yeah.
दोस्तों कितनी भीड़ है देख रहे हो, तो संगत इधर बैठी हुई है, इसी उत जावांगे। तो ये फर्स्ट फ्लोर है, ये पूरा सोना है, कितनी महीन कशीदाकारी है दोस्तों। ये सारे सोने के कशीदाकारी है। अब पुराने जमाने में ऐसे ही महल वगैरह बना करते थे जिसमें राजा रहा करते थे, लेकिन जो लोग थे वो ले गए उन्हें सीधाकारियों को। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे। ये निशान साहब है, दरवाजे चांदी के हैं। Thank you.
इससे जो कितनी कसीदा कर रही है, ये सारा सोने में दर्शन हो चुके हैं। हम जा रहे हैं बाहर की ओर, ये अंदर जाने वाली लाइन है सारी। हम जा रहे हैं बाहर की ओर, इधर हमारे सरोवर है, आप देख पा रहे हैं पीछे हमारी मम्मी है, ये उधर लाइन तो ऐसे जा रहे हैं लंगर हॉल उस तरफ है, ऐसे जो जा रहे हैं छाया छाया धूप थोड़ी, इधर पानी दी सेवा चल रही पई है। देख पा रहे होंगे आप कितना बड़ा गुरुद्वारा है और कितनी संगत आंधी है, कोई गिनती नहीं, एक समझ लो पूरे दिन से 4-5 लोग दर्शन कर दिया, ज्यादा ही कर दे होंगे, एक अंदाजा बता रहे हैं आपसे। दोस्तों ये लंगर हाल में ये बना रखा है गुरुद्वारे का, ये हमने प्लेट और वो ले ली है लंगर हाल के अंदर। मुंह में ना जाए पानी। तो इस समय हम जलिया वाले बाग के अंदर जा रहे हैं, गांधी आदा।
बहुत छोटा सा है दोस्तों ये जलिया वाला बाग। कहाँ है बड़ा? इधर गैलरी है दोस्तों, इधर बैठने बूठने का सिस्टम। हाँ इधर फवारा चल रहा है, अलग तरीके का है। इधर लोग बैठे हुए थे शहीद, यहाँ लोग बैठे हुए थे शहीद जब गोलियां दाग दी गई उन पे। तो वैसे ही बैठने के लिए लगाया बनाया गया कुछ। तो चल रहे हैं इस तरह, उधर जा रहे हैं जिथे गोलियां दे निशान है। वो कह रहे हैं गार्ड, बाकी सानू पता नहीं है कितने आ कितने नहीं। दोस्तों ये है कुआं, यहाँ गिरते जा रहे हैं। लोगों ने पैसे वैसे डाल रखे हैं। आपको क्लियर दिखाई नहीं दे पा रहा मोबाइल दोस्तों। ये देखो वो जो गोलियों के निशान थे ना वो आज तक हैं। इस जलियांवाला बाग में जो गोलियां चलाई गई थी ये उसके निशान है। देखो एक दो इधर इधर। ये बिल्डिंग भी दोस्तों उसी समय की है। हाथ मत लगाइए मैम, हाथ मत लगाओ रे भाई। इधर देखो मम्मी अरे आपा नहीं किसान। मुझे बढ़िया लग रहे हैं फूकते हुए, कतई पूरा दारू वारू चल रहा है। okay. भाई पता नहीं थोड़ा फिर बाहर आ गए हैं। ओ मैडम बड़ी ये वो जगह है जहाँ पर अंग्रेजों ने भारतीयों पे और सिख भाइयों पे बहुत गोलियां चलाई थी। और ये गुरुद्वारा अमरिंदर साहब ऑफ गोल्डन टेंपल
और क्या कहते हैं, हाँ बस यही है। इधर टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है जेंट्स एंड लेडीज़ की, उड़ा पर टॉयलेट चलते हैं। और इधर ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा है, ठीक है, उन टॉयलेट करके बाद मिलते हैं ऐसे। देखो दोस्तों, ये जो सीट हैं ये लकड़ी की हैं, काफ़ी बढ़िया है। चेक करो गाइस, इसका मतलब ये लगता है कि जो उस समय जलियांवाला बाग था तब भी काफ़ी खूबसूरत था और आज भी काफ़ी खूबसूरत है। तो कितने पुराने पुराने वृक्ष हैं और बड़े बड़े साइड में इसके घर हैं। ये तो दिन में वही मजे लेते रहते होंगे, पब्लिक देखते देखते टाइम कट जाता होगा इस घर वाले का। तो साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हाय दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक बात और बता दें, कल हम जा रहे हैं पंजाब से, घर रवाना हो रहे हैं। कल की हमारी टिकट है 2:30 की, ट्रेन का नाम आपको कल ही बताएंगे, हम आज नहीं बताएंगे। दोस्तों ये ओरा जो गोलियों के निशान मिले हैं, ये दोस्तों जो है जहाँ भी लोग बैठे हुए थे वहाँ वहाँ अंधाधुन गोलियाँ चली हैं। और अंग्रेज लोग कोई दया तो करते नहीं थे, वो भारत के लोगों को काला सुअर, काला हफ्शी ऐसे कहते थे। गाइस ऐसा है, रात को गोल्डन टेंपल काफ़ी अच्छा होता है हमने सुना है, तो इसलिए हम जा रहे हैं देखने। टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, वैसे टाइम हो चुका है इस समय 10:29, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो हम देखने जा रहे हैं रात में कैसा लगता है नज़ारा गोल्डन टेंपल का। बने रहे हमारे साथ व्लॉग में, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों ये देखो रंग पंजाब कितना सजा हुआ है, सुबह भी कितना ब्यूटीफुल दिखता है और रात में और भी ज़्यादा, ये लाइटिंग वगैरह सब जल रही है अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। चेक करो गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे शादी वादी हो, इस तरह से इसकी सजावट की गई है पेड़ वेड़ों की। तो बहुत लंबी और दिखने वाली है हमारी ये गोल्डन टेंपल वाली वीडियो अमृतसर की, पर कोई बात नहीं गाइस, देखो हमारी वीडियो में आपको नॉलेज पूरी मिलेगी बेशक से लंबी हो। अब 10-15 का व्लॉग बना दूँ मैं जिसमें प्रॉपर तरीके से रेजोल्यूशन ना हो, नॉलेज ना हो, आपको पता ना चल पाए चीज़ों का, तो वो हमसे बनती नहीं है। वीडियो बेशक से बड़ी हो जाए, चाहे 10 की जगह आधे घंटे की हो जाए, घंटे की हो जाए, लेकिन चीज़ें आपको सारी मिलनी चाहिए देखने को, ये नहीं कि कोई मिस हो जाए। दोस्तों उधर वो चल रहा है फाउंटेन,
रात में कितना सुंदर दिख रहा है। ये इधर लोग सोए हुए हैं। यहाँ पर आप रूम भी ले सकते हैं, सारागढ़ी नाम से वेबसाइट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो 2 से 3 दिन पहले ही आप बुक कर लें रूम। पहले भी कर सकते हैं, 2 से 2 दिन पहले कम से कम बुक करना पड़ता है क्योंकि रूम अवेलेबल नहीं होते यहाँ पे। काफ़ी अच्छे रूम होते हैं, हमें भी खुद को नहीं मिला क्योंकि हमें तो खैर पता ही नहीं था, लेकिन हम अपने थ्रू सबको जानकारी ज़रूर देंगे। देखो दोस्तों कितना रात में मनमोहक लग रहा है। और आपको एक बात और बताऊं, तो वो बिल्कुल खाली है रात में, तो कोई भीड़ नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस वेले कोई लाइन नहीं है, ऐसे जा रहे हैं हमने अंदर, देखते हैं जान देंगे या नहीं जान देंगे। बिल्कुल टाइमिंग, गेट बंद हो गया है, जा नहीं सकते हो, गेट हो चुका है बंद। तो देखो रात में कितना अच्छा दिख रहा है, और गोल्ड आपको इतनी चमक है पानी तक में इसकी वो आ रही है, क्योंकि पूरा गोल्ड का बना हुआ है, मतलब पूरा नहीं काफ़ी ज़्यादा हिस्सा बना हुआ है, ये समझ लो 70% हिस्सा। और 9:30 बजे जो है ना, इसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं 9:30-10 बजे तक, क्योंकि पालकी होती है वो चली जाती है और सुबह 4 बजे आती है। देखो दोस्तों अजय तक भीड़ है अंदर, जबकि गेट बंद हो चुके हैं, लोगों का दिल ही नहीं करता आने का, इतनी अच्छी जगह है स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा। इधर ये लेडीज के नहाने के लिए सरोवर का जो पानी है वो इसके अंदर है, तो लेडीज के लिए नहाने के लिए बनाया गया है ये, जेंट्स खुले में नहा सकते हैं और लेडीज इसमें नहाए, सेम ऐसा ही एक उधर देखो वहाँ बनाया हुआ है और एक उधर, 3 लेडीज के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों चारों तरफ से कितना ब्यूटीफुल, अरे देखो आप देख पा रहे हो तो इसकी देखो साफ सफाई चल रही है, जैसे ही बंद होता है साफ सफाई चालू हो जाती है, क्योंकि जो है गुरुद्वारों में जितना साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है शायद ही ऐसा कोई और धर्म हो जहाँ पे साफ सफाई इतनी रखी जाती है, मैंने तो अभी तक देखी नहीं भाई गुरुद्वारों में जितनी साफ सफाई होती है। दोस्तों इस साइड लंगर हाल है, 24 घंटे लंगर चलता रहता है, फॉरनर्स भी आए हुए हैं। दोस्तों लोग इधर ही सोए हुए हैं, आप इधर सो सकते हो, 4 बजे साफ सफाई होती है तो आपको तब उठना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे तक आप सो सकते हो। अगर हम दर्शन कर लेंगे
वाहेगुरु जी। हाँ जी देखो दोस्तों, हम निकल चुके हैं, 11:25 हो रहे हैं। आपको दिखा दिया रात के टाइम गुरुद्वारा कैसे दिखता है, वो सब बता दिया। अब मिलते हैं दोस्तों कल के व्लॉग में, ट्रेन के सफ़र में चलते हुए दिल्ली की ओर। हमारा 8-9 घंटे का सफ़र है कल। ओके दोस्तों चलते हैं, टाटा, गुड नाइट, बाय, लव यू ऑल। दोस्तों ये पर्यटन म्यूज़ियम के सामने ये क्रेन चढ़ रही है, चढ़ क्या रही है, शायद इसे उठा रही है या क्या कर रही है, अभी कुछ समझ नहीं आया मेरे को। मतलब मेरे को आ जाए समझ फिर मैं आपको बताऊँगा। ऊपर चढ़ रही है आई थिंक, सीधी हो गई वहां पे उसने वो दिखा। नीचे अपना वो टिका रखा है सिस्टम, ट्रक देखो लोड उठा रहा है, ट्रक दब चुका है काफी हद तक।